हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। इससे पहले हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड, उसको आप लोग देख लीजिएगा फिर समरी देखिएगा। तो समरी का हम लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड क्या करा रहे हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए वही था स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, प्यारी प्रियतमा आई डू नॉट गो, ठीक है। ये पोएट्री है, लेसन वन है, ठीक है। समरी जॉन डन के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर, ठीक है। ये जो कविता जो है सो, और इनका जो जन्म हुआ था 1572 एंड इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1631 में हुई थी। तो आइए बिना समय गवाते हुए समरी को शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज कंपोज बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है ना, वो कंपोज किया गया है, यानी लिखा गया है, दर्शाया गया है किसके द्वारा, मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के द्वारा। ही वाज बोर्न ऑन 1572 इन लंदन, उनका जो जन्म हुआ था 1572 लंदन में हुआ था। ही वाज फोर्स, उनको जो है बलपूर्वक, हम लिखा हुए हैं उसमें जाके देख लीजिएगा जहां हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हैं लाइन बाय लाइन, वहां पर ये सब आउट ऑफ ऑथर के बारे में लिखा हुआ है। तो ही वाज फोर्स, उनको जो है बलपूर्वक टू लीव निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट अ डिग्री, बिना कोई मार्क्स के, बिना डिग्री के। बिकाउज, क्यों निकाल दिया गया था, बिकाउज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण। उनका धर्म क्या था, कैथोलिक। उनका जो जन्म हुआ था उस समय जो उनके जो धर्म जो था कैथोलिक, वो एंटी कैथोलिक था किसके, इंग्लैंड के। इंग्लैंड उस समय कैथोलिक का दुश्मन था। ही इज वेल नोन, वह जो जाने जाते हैं अच्छी तरह से, वेल मतलब अच्छी तरह से, नोन मतलब जाने जाते हैं, फॉर किसके लिए जाने जाते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए, सिटार के लिए भी, एलिकीज के लिए भी जाने जाते हैं। ये सब उसमें लिखे हुए आप लिख सकते हैं। इन द, आगे देखिए, इन द लव लिरिक पोएम इस, ठीक है, इस लव लिरिक पोएम में इन द को लिख सकते हैं आप, इन दिस इस लव लिरिक पोएम में, इस लव लिरिक पोएम, लिरिक मतलब जो लय हो, जिस कविता में लय हो, जो गाना गा सके, जिसको गाया जा सके। द पोएट इज कंसोलिंग, पोएट जो है कंसोलिंग कर रहे हैं, कंसोलिंग मतलब वार्तालाप कर रहे हैं, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, टेलिंग हर, उसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि ही इज नॉट गोइंग अवे, कि वह इसलिए नहीं जा रहे हैं, अवे मतलब दूर, उससे दूर, बिकॉज, क्योंकि, ही इज टायर्ड ऑफ हर, कि वह उससे थक चुके हैं या उब चुके हैं, और ना ही इस आशा में जा रहे हैं, ही वांट, कि वह चाहते हैं अ बेटर वुमन, उससे अच्छी औरत वो चाहते हैं। उनका कहने का मतलब पूरा कविता में यही है कि वह इसलिए नहीं उससे दूर जा रहे हैं कि उससे थक चुके हैं, और ना ही इस आशा में जा रहे हैं कि उसे उनसे अच्छी औरत चाहिए। फिर कह रहे हैं कि अगला पैराग्राफ चेंज कीजिए यहाँ पे। ही सेज द सन, अब वो कंपेयरिंग किससे कर रहे हैं, अपना सन से कर रहे हैं कंपेयर। वह कहते हैं कि द सन सेट्स, जो सूर्य था वो डूब गया था, इन द इवनिंग, शाम को, एंड राइजेज, अब उग गया है अगेन, फिर एक बार, इन द मॉर्निंग, सुबह में, बट, किंतु, इट हैज नाइदर, उसके पास कोई क्या नहीं थी, सेंस और नॉर डिजायर, ना कोई बुद्धि था, ना कोई विचार था, सेंस मतलब, और ना ही उसके पास कोई इच्छा थी डूबने की और उगने की। फिर भी वो डूब गया कल सांझ को, शाम को, और आज जो है सुबह में फिर उग गया है एक बार। ही एजर्स, एजर्स मतलब होता है विश्वास दिलाना। ही एजर्स हर, वह उसे विश्वास दिला रहा है, कौन, कवि, अपनी महबूबा को विश्वास दिला रहे हैं, डैट की ही हैज सेंस एंड डिजायर, कि किसके पास, कवि के पास, यानी उसके पास क्या है, सेंस और डिजायर है, क्योंकि हम लोग समरी लिख रहे हैं तो यह हम लोग तो कवि को उसको कहेंगे, तो उसके लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके पास विचार भी है और इच्छा भी है टू कम बैक, आने का, टू हर सो, उसके लिए, टू मतलब यहाँ के लिए, हर किसके लिए, अपनी महबूबा के लिए, आने का विचार भी है, बुद्धि भी है और इच्छा भी है। सो अतः ही विल कम, वह आएंगे, अवश्य आएंगे, बैक सून, जल्दी ही आएंगे, शीघ्र, सून मतलब शीघ्र, देन ही, देन द सन, सूर्य से ज्यादा, ठीक है, सूर्य से जल्दी ही। अब कह रहे हैं कि ही सेज मैंस पावर, अब देखिए कह रहे हैं कि ही सेज, वह कह रहे हैं कि मैंस पावर, आदमी की जो शक्ति होती है वेरी वीक, बहुत कमजोर होती है। ही टेल्स हर नॉट, वो उससे कह रहे हैं, अपनी महबूबा से कह रहे हैं, हर मतलब उससे, महबूबा से। ही टेल्स हर, वह कह रहा है, टेल्स मतलब कहना,
ठीक है, वह कह रहा है उससे नॉट टू शेड, शेड मतलब होता है बहाना, शेड मतलब बहाना, शेड टीयर्स आंसू मत बहाओ, उससे कह रहा है कि तुम आंसू मत बहाओ, बिकॉज क्योंकि डेट विल, यह जो है विल मेक हिम, कि उन्हें जो है क्या करती है, यह मेक मतलब बनाती है, क्या बनाती है, सैड मतलब उदास कर देती है, एंड वीक कमजोर बना देती है ना। वह कह रहे हैं कि तुम आंसू मत बहाओ, क्योंकि यह तुम्हारी जो आंसू है, तुम्हारी जो आहें भरना है, व्याप करना, रोना है, वो हमें बहुत कमजोर कर देती है। फिर कह रहे हैं ही सेज नॉट फॉर थिंग, कि तुम, वह कह रहे हैं नॉट फॉर थिंग ऑफ एनी, कि तुम किसी बुरे बात को लेकर के या मेरे चिंतन को लेकर कि मुझे रास्ते में कुछ हो जाए, इल मतलब बीमारी नहीं है, वो रास्ते में जब जाते रहते तो वो कहते हैं कि मेरे को लेकर तुम चिंतित मत हो, चिंता मत करो, ड्यूरिंग हिज जर्नी, इस यात्रा के दौरान, इस यात्रा के दौरान किसी भी चिंता को लेकर तुम टेंशन मत लो कि मुझे कुछ हो जाए, अदरवाइज ठीक है डेस्टिनी मे फुलफिल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अदरवाइज मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि डेस्टिनी मतलब भाग्य मे फुलफिल, इसे क्या कर देता है, पूर्ण रूप से सच कर देता है वो। ये हम जो आपको ये जितना भी लिखा है सारा आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन पोएट्री में कर चुके हैं। अब देखिए पैराग्राफ नीचे चेंज कीजिएगा, जगह नहीं था इसलिए लिख दिया, यहाँ पे चेंज कीजिएगा पैराग्राफ, जैसे यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ नहीं लिखिएगा, चेंज करके ये इतना लिखिएगा, फिर यहाँ से चेंज कीजिएगा, यहाँ तक आइएगा, फिर चेंज करके यहाँ से ये, और चेंज करके सबसे लास्ट में एट लास्ट ही सेज, वह कहते हैं द पीपुल, पीपुल क्या है, हु आर इन ईच अदर, जो रह ईच अदर, एक दूसरे में, इन मतलब में माइंड यानी दिमाग में या दिल में, आर नेवर सेपरेटेड, जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, ठीक है लास्ट में वो कहते हैं वो कभी अलग नहीं होते, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी जाके देख लीजिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव भी इसका बन चुका है, यूट्यूब पे पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।